चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज सुन, एक मिनट में तेरा गेट बंद कर लेता हूँ अपने घर का, उसके बाद में तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आ गया एक और वॉकिंग वीडियो लेके सोल्जर का। तो ये देखिए, ये पहले ही आते अपना सुसु करने लग गया। तो हर वॉकिंग वीडियो की तरह सबसे पहले मैं आपको टाइम बता देता हूँ। टाइम है आप लोगों का 6:30 हो रहा है विंटर्स में भी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। हम लोग का रूट आज थोड़ा सिंपल रहेगा, वो आगे है ना, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। आज सोचे का तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसकी वो लीक्स है नई वाली जो आई थी आपने वीडियो में पहले देखी है। और वो कॉलर उसने जो पहना हुआ है वो भी न्यू है, बस हार्नेस पुरानी है। तो देखिए गाइस, हम लोग चलते रहेंगे ऐसे ही, इस सीधा सीधा रोड है, हम लोग यहीं पे ऐसे चलते रहेंगे। और आज मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी क्योंकि आप सबने एक ही हाथ में डंडा है, मैं डंडा लिया रहता हूँ, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं बिना डंडे के ही निकल गया। क्योंकि वहाँ के डॉग्स हैं और फिर एक हाथ में फ़ोन, वीडियो, डंडा सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितना सुसु करते हो। तो गाइस देखिए, यहाँ में फिर से सुसु करने लग गया है। अभी आपने देखा था वीडियो के स्टार्टिंग में भी वहीं सुसु कर रहा था। चलो तो गाइस, वो जो आगे जगह दिख रही होगी ना आपको, थोड़ा दूर हो सकता है, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा और बहुत ठंडी भी है, तो वहाँ के आगे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वहीं से स्ट्रीट डॉग्स का एरिया स्टार्ट हो जाता है दूसरे। तो वो सब ना थोड़े अग्रेसिव टाइप के स्ट्रीट डॉग्स हैं, मतलब इतने नहीं हैं लेकिन फिर भी ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि आप जा रहे हो फिर आपके स्ट्रीट डॉग्स भौंक रहे हो। बस देखिए गाइस, हम लोग यहीं से लौट जाएंगे। सोल्जर सोचेगा हाँ। तो और एक चीज़ हो सकती है गाइस, जो आप लोग सोच रहे हो कि सोल्जर का जो मेरा कोट आया था डॉग वाला, डॉग कोट, तो वो कहाँ गया। तो उसकी जो होते हैं ना स्ट्रैप्स जहाँ से बांधते हैं उसको, तो वो सोल्जर ने कल ही फाड़ दिए हैं शाम को। उसको मतलब खुजली उजली हो रही होगी, फिर मैंने ज़्यादा टाइट बांध दिया होगा तो इस वजह से उसको खुजली करने लग गया। तो जैसा कि आप सबने देखा है दोस्तों, ये कुछ लोग होते हैं ना सुधरने वाले नहीं, तो सोचा भी मेरा उसी कैटेगरी में आता है कि सुधरेगा ही नहीं। हाँ, जो पहले के आपने देखा होगा मोस्ट अग्रेसिव जर्मन शेफर्ड वाला, तो उससे तो मतलब अच्छा ही है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग वेनिंग काम आती रहती है, लेकिन फिर भी ये सुधरता नहीं। कितना भी हो जाए लोगों को कूदे कर लोग भले ना भागे, तो यही सब है, कभी कभी पकड़ना पड़ जाता है वीडियो के चक्कर में, दिक्कत हो सकती है। बाकी आप लोग हो सकता है देखते रहिए, सोचो मेरा बिल्कुल भी लीश पुलिंग नहीं करता। कुछ लोगों को लगता है कि मैं उसकी लीश छोटी करके रखता हूँ, तो देखिए आज मैं इसीलिए बड़ा करके रखा हुआ हूँ ताकि आप लोग खुद देखिए हो कितना लीश पुल करता है कितना नहीं करता। मुझे कहा दोस्तों, इस साइड हम लोग भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं, थोड़ा सा उनके चलेंगे, एकदम स्ट्रेट रूट है तो कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। ये देखिए मेरे पैर के बगल ही में चल रहा है, ऐसी बात नहीं, आगे आगे चल रहा और मैं कैमरा आगे कर। सोल्जर आ जाओ बच्चा, सोल्जर कहाँ, ये देखिए खींचना उसना मतलब पड़ता ही नहीं है। देखिए वहाँ से उसमें कोई आ रहा है, तो मैं इसके लिए छोटी कर ले रहा हूँ। वो अंकल वहाँ सामने निकल गए, कोई बात नहीं, हम लोग अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं वॉकिंग वाला। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, और मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे रीजन बताऊंगा कि मैं ऐसे क्यों वॉक कराता हूं, ये चीज़ें क्यों बनाता हूं, मतलब सब चीज़ें आज यही बताऊंगा, क्योंकि आज मेरे पास ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, बस लोगों को वॉकिंग वीडियोस चाहिए थे सोल्जर के, तो मैंने सोचा बनाना डालते हैं। वैसे भी आज से अपने जाएगा ही,
देखिए अंकल वहीं चले, और ये देखिए थोड़ा अलर्ट है, लेकिन मतलब इसमें कोई अग्रेशन टाइप का नहीं है कि नहीं खींचते खींचते चला जा रहा है, चला जा रहा है। देखिए चलो उन्हीं के पीछे रहकर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए अलर्ट होकर फॉलो उन्हीं को कर रहा है। सोचे बस यहाँ से देखिए इसका मन थोड़ा हट गया अंकल से। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा उसका वो न्यू कॉलर जो है, उनके मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ ये वाला। तो आप लोगों को ये कॉलर लग कैसा रहा है, मतलब उस पर अच्छा लग रहा है कि नहीं? और हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि नहीं, उस रेड कॉलर के अलावा भी आप लोगों को कुछ नेक पर दिख रहा था, मैं उसको दो कॉलर बना के डलाता हूँ। और इसमें मेरा एक पर्सनल रीज़न भी है कि मैं उसको दो कॉलर क्यों बना के डलाता हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ। सोल्जर स्टॉप, सोल्जर स्टॉप, बस स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये देखिए सोल्जर रुक जाता है रोड पर। ये देखिए यहाँ पे दो कॉलर आप लोगों को दिख सकते हैं, तो यही दो कॉलर मैं इसको बना के रखता हूँ बड़े रीजन की वजह से, क्योंकि ये एक तो बहुत अच्छा है मेरा, अच्छे से मतलब नेगेटिव सेंस में ये मेरा अग्रेशन में बहुत अच्छा है। ऊपर से स्ट्रीट डॉग्स खुले रहते हैं, ये तो मान लीजिए लीश में, तो मैं इसको लीश पे लेके कहीं भी आ जा सकता हूँ। तो अगर इन केस इसमें और स्ट्रीट डॉग्स में फाइट हो जाए, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए मैं खाली इसको दो कॉलर बनाए रहता हूँ, ताकि कोई भी स्ट्रीट डॉग जो है इसकी नेक तक ना पहुँचने पाए। तो कुछ लोग होता है क्या, हारने से टलाते तो हैं लेकिन कॉलर निकाल लेते हैं, तो कॉलर निकालना नहीं चाहिए, कुछ तो काम आएगा। ये देखिए कहीं पे भी कुछ भी देख लेता है तो अलर्ट हो जाता है। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको जर्मन शेफर्ड्स के बारे में बताऊंगा आगे वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिए, तब तक आप लोग इन्जॉय करिए। सोचे देखिए टहलता कैसा, एकदम देखिए लीश एकदम लूज है, कोई पुलिंग वुलिंग नहीं, आराम से वो अपना स्मेल करते हुए आता जाता है। क्या हो बाबू, चलो आओ सोचो सोचो बच्चा क्या है। तो देखिए सोल्जर यहाँ पे स्मेल कर रहा है कुछ। सोल्जर आ जा बच्चा, सोल्जर कब आ जा बच्चा कब जा रहे बाय। तो दोस्तों सोल्जर को डर लगता है बाय वर्ड से, क्योंकि पहले क्या होता था ना, जब मैं स्कूल जाता था तो हम लोग ने इसको मतलब घर में एक पार्ट में इसको हम लोग बंद कर देते थे, या फिर इसको अच्छा नहीं लगता था कि हम लोग इसको छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं इसको बाय बोल के जाता था। तो अभी हम लोग इसको कभी भी बाय बोलते हैं तो ये समझ लेता है कि हम लोग इसको छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए डर जाता है थोड़ा बाय बोलते ही। देखिए हर बात मान लेता है, सोल्जर सोल्जर जा रहे बाय, सोल्जर बाय। ये देखिए तुरंत दौड़ा दौड़ा आ जाता है। तो दोस्तों वो बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा जर्मन शेफर्ड्स के बारे में, हो सकता है आप इस बात को आपको ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि नॉलेज सबको हर चीज़ की होनी चाहिए। सोचेगा तो देखिए दोस्तों जर्मन शेफर्ड की जो क्वालिटी पता चलती है कि जर्मन शेफर्ड किस क्वालिटी का है, वो ना उनकी लॉन्ग कोट से पता चलता है, ना उनकी हेल्थ से पता चलता है, और ना किसी और चीज़ से। हे भगवान कितना सुसु करते हो तुम। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ फिर सुसु किया है, ए सी 10 मिनट में इसने 3 बार सुसु किया है। तो आप लोग इसका कोई निक नेम भी रख सकते हैं इसके सुसु करने के हैबिट की वजह से। तो वो बात जो मैं आपको बताने वाला था कि आप जर्मन शेफर्ड की क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं। हाँ सुझे रहो वहाँ से, देखिए दोस्तों कोई आ रहा है तो मैं पहले ही हो जाता हूँ। तो जर्मन शेफर्ड की क्वालिटी दोस्तों उनके ईयर्स के बीच में जो गैप होता है, वो गैप जितना ही कम रहे उतना अच्छा है। जैसे आप देखिए सोल्जर का, सोल्जर चल 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 जैसे क्या भी कभी, लेकिन जब आपका डॉग अलर्ट है आपको तभी क्वालिटी देखनी है, नहीं तो होता नहीं बीच बीच में डॉग अपने ईयर नीचे कर लेते हैं। या फिर देखिए जैसे इस समय सोल्जर चल रहा है, आ जाओ सोल्जर सोल्जर चलो। तो मैं ज़रा लीश छोटी कर लूँ, क्योंकि वहाँ से एक बूढ़े अंकल आ रहे हैं। देखिए तो उस तरफ से वो अंकल आ रहे हैं, और इधर भी एक अंकल खड़े हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे बीच में ऐसे खड़े हुए हैं। और देखिए जैसे इस समय सब नहीं, यानी पीछे कर रखे हैं थोड़ी थोड़ी, और अगर मैं अपना हाथ लेके जाऊँ सोचा है तो देखिए इसने गैप बढ़ा दिया, लेकिन जब डॉग अलर्ट हो आपको तभी देखना है। सोजन तो देखा आप सबने, मैंने बोला था ना कुछ लोग नहीं सुधरते, तो सोल्जर उसी कैटेगरी में है। अब देखिए एक और अंकल, चल बस
डन। नहीं कोई है तो मेरा सोचा सही है, किसी दिन डांस खिलवाओगे। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था जर्मन शेफर्ड की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों, मेन जर्मन शेफर्ड जो है वो 5 क्वालिटीज़ में आते हैं, मतलब ईयर के हिसाब से ही। आप कोट या फिर कोट लेंथ या फिर उस सब पे मत जाइएगा। क्या हुआ, टेंशन में आ गए? जैसे सोल्जर जो है ना मेरा, आप देखिए उसके में कानों के बीच में वी बना रहता है, तो ये जो वी है ना, ये 2nd क्वालिटी के जर्मन शेफर्ड है। जो एकदम टॉप क्वालिटी के जर्मन शेफर्ड होते हैं ना, उनके कान में जगह मतलब बचती ही नहीं। जैसे ये जर्मन शेफर्ड है, तो एक अमेरिकन जर्मन शेफर्ड भी आते हैं, तो उनके कान के बीच में एकदम जगह बचती ही नहीं है। और वो आपको मतलब इंडिया में ऐसे कहीं पर भी तो नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ऐसी मतलब जो बड़ी बड़ी शहर हैं वहाँ पे आपको जैसे दिख जाएंगे वो सब। जैसे इसके कान में देखिए बीच में वी बनता है, और वी के बाद जगह उगे नहीं बचती कहीं पे, मतलब एकदम ईयर के जो बेस हैं वो आपस में चिपकते हैं, लेकिन ऊपर थोड़ी सी जगह रह जाती है। जैसे अभी आप वीडियो ही में देख रहेगा, आप मेरे कहने उन्हें पर मत जाइए। तो देखिए इसने यहाँ पर कुछ देख लिया, जैसे आप देख सकते हैं ना अभी इसके ईयर्स, तो दोनों को आपको बाल की वजह से हो सकता है ना दिख रहा हो, लेकिन इसके ईयर्स देखिए एकदम एकदम इरेक्ट है। और बीच में देखिए इसके यहाँ पे वी बना हुआ है, और दोनों के बेस चिपके हुए हैं। तो ये जो बेस चिपके हुए हैं ना, जो अमेरिकन जर्मन शेफर्ड्स होते हैं उनके कान भी एकदम चिपक जाते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी जर्मन शेफर्ड में जरा सा और गैप है, तो आप समझ सकते हैं वो 3rd क्वालिटी का है। थोड़ा सा और है तो 4th क्वालिटी, और बाकी 5th क्वालिटी के जर्मन शेफर्ड्स भी बहुत कम ही दिखते हैं। जो एकदम टॉप वाले जर्मन शेफर्ड्स होते हैं वो भी कम दिखते हैं। और दोस्तों, क्वालिटी से प्योरिटी में कोई मतलब नहीं। एक प्योर जर्मन शेफर्ड भी सबसे गंदी क्वालिटी का हो सकता है। तो आप ये मत समझिएगा कि अगर आपका जर्मन शेफर्ड प्योर है तो वो सबसे अच्छी क्वालिटी का ही होगा, या फिर अगर आपका अच्छी क्वालिटी का है तो वो प्योर ही होगा। तो मतलब क्वालिटी और प्योरिटी में बहुत अंतर है। जैसे कि समय अपनी ईयर पीछे कर लेता है कभी कभार। सुनिए बाबू, चलो चल। तो गाइस, आप लोग सोच सकते हैं कि आज हम लोगों को कोई स्ट्रीट डॉग नहीं दिख रहा है। वैसे भी आपको शायद ही मेरे किसी वॉकिंग वीडियो में स्ट्रीट डॉग्स दिखे होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सुबह के टाइम पे स्ट्रीट डॉग्स कहाँ रहते हैं। और जो वहाँ पे हम लोगों का वो स्पॉट है ना टहलने का, तो जो बाउंड्री दिख रही है उसी के अंदर जो है वहाँ पे 5 पप्स हैं, और वहाँ पे उनके मंदर 24 आवर्स रहती हैं। और वहीं पे एक दो मेल डॉग्स भी रहते हैं, तो वहाँ वो सब इसको जाने नहीं देते। ऐसी बात नहीं, मैं जाता हूँ जब अकेले रहता हूँ, तो मैं वहाँ थोड़ा आगे तक जाता हूँ। वो देखिए वहाँ पर तो सुन डॉग रहता है। तो दोस्तों, सिचुएशन हो सकता है मुझे वीडियो ब्रेक करना पड़ जाए, लेकिन बहुत डरावनी सिचुएशन हो जाती है जब सोल्जर के सामने कोई डॉग आ जाता है। और दोस्तों, यही वो डॉग्स थे जो देखिए वहाँ बाउंड्री के पास हो गया है ना, तो यही वो डॉग्स हैं जो वहाँ पे गार्डिंग करते रहते हैं अपने पॉप्स की। सोल्जर, सोल्जर आ जाओ बच्चा काम। ये देखिए, ऐसी बात नहीं कि सोल्जर मेरे बात नहीं मानते। देखिए वहाँ सामने डॉग था, ऊपर से मेल जर्मन शेफर्ड, अग्रेसिव जर्मन शेफर्ड होने के बाद भी इसने मेरी बात मान ली। तो वही कुछ लोग कहते रहते हैं कि सोल्जर बात नहीं मानता, कंट्रोल में नहीं आता, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए कोई और आ रहा है। सोल्जर, तो सब की बार क्या हुआ है ना, फिर से सुसु करने लग गया, तो इसको पता ही नहीं चला वो अंकल का भाई। ये 4th टाइम सुसु किया है इस वीडियो में, तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा ये सुसु करता रहता है। तो चलिए अब हम लोग ऐसे आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, स्ट्रीट डॉग्स को कैसे हैंडल करते हैं टहलते वक्त, तो उसके लिए भी अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा कि स्ट्रीट डॉग्स को कैसे हैंडल करते हैं टहलते टाइम। और उससे पता है गारंटी हो जाती है कि फिर वो डॉग आप पर कभी अटैक नहीं करेगा। जैसे मैंने भी बीच में बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे कि स्ट्रीट डॉग्स को कैसे हैंडल किया जाता है, तो उसमें एक सबसे जो मुझे थोड़ी गंदी टेक्निक लगी, लेकिन एक टेक्निक ये है कि अगर आपका डॉग लड़ने भर का है, मतलब मीडियम साइज़ या फिर लार्ज ब्रीड है अगर आपका डॉग है, तो आप उसको छोड़ दीजिए लड़ने के लिए। तो हाँ, मैं भी इस उनके शौक हो गया था कि अगर तो जब आपका डॉग होता क्या है, जब आपका डॉग जाके एक बार लड़ लेगा तो स्ट्रीट डॉग्स को ये आइडिया हो जाएगा कि अगर आपका डॉग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो खाता पीता डॉग है, तो मुझे उससे नहीं लड़ना है। लेकिन ये तरीका तो मैं कभी यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसमें हम लोगों के डॉग को भी तो चोट लगेगी। ऐसी कोई बात नहीं कि हम लोगों के डॉग को चोट ही नहीं लगेगी, वो आ गया कहीं से पाकिस्तानी बुल्ली या फिर काउकेशियन शेफर्ड उतर के, तो वो हारेगा ही नहीं।
तो जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ वही है कि दोस्तों स्ट्रीट डॉग्स के सामने ज़्यादातर क्या होता है, लोग लेके भाग जाते हैं। अपने डॉग को तो भागना नहीं रहता, वहीं पर हमें खड़े रहना रहता है। तो अभी मैं आपको बस छोटा सा ऐसे रिव्यू दे दे रहा हूँ, बाकी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा हाउ टू हैंडल स्ट्रीट डॉग्स वाइल वॉकिंग। तो इसलिए आप लोग कमेंट करते रहा करिए। अब हम चलिए थोड़ा और आगे तक चलते हैं, और बाकी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, आप ही लोगों की डिमांड पे मैंने ये लीश और कॉलर लगाया। और मैं प्योर कॉलर से तो कभी नहीं मतलब टहलाता हूँ, क्योंकि उससे डॉग्स का ट्रैचिया जो होता है ना ब्रीदिंग वाला, वो ख़राब हो जाता है। और बाद में जब वो वैसे ही डॉग्स 2 ईयर्स के हो जाते हैं तो फिर उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो ऐसे मेरा सोल्जर है ही 3 या 4 मंथ्स बाद ही हो जाएगा 2 ईयर्स का, तो मैं अभी सही प्रिकॉशन लेता रहता हूँ। प्योर कॉलर पर मैं कभी नहीं टहलाता हूँ, इसको हार्नेस हमेशा मेरी लगी रहती है, और नहीं तो हार्नेस कॉलर दोनों लगा देता हूँ। कॉलर को एकदम 1 नंबर पर रख के ताकि एकदम बड़ा साइज़ हो जाए कॉलर का। जैसे होता है ना लोग टाइट कॉलर करते, तो मेरा एकदम लूज रहता है, एकदम लूज कॉलर, और उस पर भी हार्नेस लगी रहती है, जैसे आपने देखा है ना शोज उस पर सोल जाए। चलो बोलो, नहीं 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 तो देखिए दोस्तों, ये जो बाउंड्री है ना यहाँ पे, इस बाउंड्री से बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, तो सोल जाए वही थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग इस गली में चल के देखते हैं। अच्छा सोल जाए, हो सकता है आप लोगों को ये 5th बार सुसु करके दिखाती है इसी वीडियो में। आ जाओ सोचिए, तो बस दोस्तों अब इस गली से निकलने के बाद हम लोग चले जाएंगे घर। सोचे कहाँ सोचे सोचे कम 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 कम, क्या हुआ वो वहाँ क्या है? ओहो वहाँ पे किसी ने मटर नहीं होती, मटर की पील वहाँ पे किसी ने वही फेंक दिए, तो सोचे खाता नहीं है, नहीं तो मैं मसल लेके आता इसके लिए। बस खाली मना करना रहता है, तो फिर मतलब आज तक मतलब मेरे साथ कभी नहीं हो जाता, होता नहीं पपीज कुछ भी खा भी लेते हैं। तो दोस्तों चलिए यही होता है हमारा व्लॉग एंड, घर मेरा ये रहा सामने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब।